बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब चौधरी तारिक सुबहानी साहेब, उम्मीदवार सूबाई असेंबली, चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जिला सियालकोट, हाजी अब्दुल कयूम साहेब चेयरमैन यूनियन काउंसिल, चौधरी अरफान नारू साहेब चेयरमैन यूनियन काउंसिल, मेरे भाई चौधरी रफीक मुगल साहेब, मलक याकूब साहेब, बाऊ मोहम्मद नईम साहेब, बाऊ मोहम्मद नदीम साहेब, मलक आसिफ अवान साहेब, नईम मुगल साहेब, अमर मुगल साहेब, यूनस जट साहेब, मोहम्मद रफीक मुगल साहेब, अहमद रफीक अहमद मुगल साहेब, मोहम्मद रजा बाजवा साहेब, अली बाजवा साहेब, मलक नासिर साहेब, मनीर गुजर साहेब और मनीर काउंसलर साहेब। कोई नाम रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूं, यकीनन लंबी लिस्ट है और मेरा वास्ता भी, मेरे कुछ दोस्त पुराने, जब मैं सियासत में एमएलए की सियासत में नहीं आया था तब से उनसे मेरा वास्ता है। बहरहाल अजीज दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपका रात के इस पहर बैठे रहना और हमारे जैसे लोगों का जिनको आपकी जरूरत है, हम आपकी जरूरत नहीं, आप हमारी जरूरत है, आपका इतनी देर इंतजार करना और जितना फकीर मिसाल इस्तकबाल आपने मेरी जैसे फकीर शख्स का किया, मैं मुद्दों तो याद रखूंगा इंशाअल्लाह। आप जो मियाद आपने मुकर्र किया है अल्लाह हमें उस पर पूरा उतरने की तौफीक दे। आजाद कश्मीर का इलेक्शन मैं भी वोट डालता रहा हूं, मैं भी वोटर था। आजाद कश्मीर का इलेक्शन ना तो तरक्कियाती कामों के लिए है, ना ही किसी नौकरी के लिए है, ना ही किसी ओहदे के लिए है, ये खालिस्तन उन लोगों का इलेक्शन है, उन लोगों की आजादी का इलेक्शन है, उन लोगों की आजादी पे काम करने का इलेक्शन है जो हिंदुस्तान की कैद में है, जो हिंदुस्तान में मजबूर महकूर और मासूम लोग हैं, ये उनका इलेक्शन है। मेरे दोस्तों हमने 1947 में हिजरत की, हमारे बुजुर्गों ने कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान का रुख किया। मैं एक अर्ज करता चलूं, जिस जगह इंसान रहता है उसके लिए वो जगह महल भी होती है, उसके लिए वो उसकी जागीर भी होती है, इसलिए कि उस शख्स के वाजदाद की कब्रें उस मिट्टी में होती हैं, उसका घर वहां होता है, उसके अजीजो अकारब वहां होते हैं। ये सब कुछ छोड़ के आना और पांव में जूता ना हो, सर पे कपड़ा ना हो, इस हालत में अपने घरों को छोड़ना, ये मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हिजरत थी, जब काफिरों ने आप पे मक्का में हस्सा है याद तंग कर दिया तो आपने अल्लाह के दीन को बचाने की खातर हिजरत की। हमने भी जो क्या कहते हैं यूसुफ को खरीदने के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, उनको खरीदने के लिए लोग गए तो एक माई अट्टी लेके गई, किसी ने पूछा माई क्या इससे यूसुफ आ जाएगा, उसने कहा चलो क़यामत के दिन मेरा नाम भी खरीदारों में शामिल होगा। हमारे बुजुर्गों ने उस हिजरत पे अमल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की खाक के नीचे जो खाक है उसके बराबर भी कोई शख्स नहीं है। मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर मैंने अपने नबी को पैदा करना ना होता तो ये दुनिया ही ना बनाता, लेकिन हमारे अबाउजदाद ने वो अट्टी लेके चले, जब उन पे काफिरों ने कश्मीर में अरसा है याद तंग कर दिया
जब उनको अपने दीन के मुताबिक जिंदगी ना गुजारने दी और वो लोग हिजरत करके एक अनदेखी जमीन जिसके ना वो वाकिफ थे, जिसमें ना उनका कोई रिश्तेदार था, जहां उनकी ना कोई दोस्ती थी, सिर्फ एक और ये एक रिश्ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। उस रिश्ते को लेके चल पड़े। 2.5 लाख 2,50,000 मुसलमान शहीद हुए, लाखों मेरी माओं बहनों और बेटियों की अस्मत दरी हुई, 50 लाख मुसलमानों की औरतें हिंदू ने जबरदस्ती छीन ली। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को पसंद किया, पाकिस्तान में रहने को झोंपड़ियों में आके रहे, पनागीर कहलवाए, बड़े बड़े जागीरदार लोग थे जिनके पांव में जूता नहीं था, जिनकी बेटियों के सर नंगे थे, वो पाकिस्तान में आए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान में आजादी से जिंदगी बसर कर सके, हम पाकिस्तान में अपने दीन के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे करेंगे। पिछले 14 अगस्त को एक ट्वीट था जिसमें एक नौजवान शख्स अपनी बूढ़ी मां को कंधों में उठाए हुए पाकिस्तान की तरफ चल रहा है और नीचे उसके लिखा हुआ है किसी समझदार आदमी ने कि टुरदिया टुरदिया पत्थर भरे हो गए, पता नहीं कदों आवेगा पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहां लोग आजादी से वोट ना डाल सके, लोगों के साथ गवर्नमेंट दौंस धांधली करे, यहां रिजल्ट चेंज हो, आपका हक छीना जाए, आपको अपना फर्ज भी अदा ना करने दिया जाए? इसलिए कश्मीर का वोट उन लोगों के लिए दीजिए। मैं एक छोटा सा वाक्य अर्ज करता चलूं, आप 15 दिन के लॉकडाउन में गए थे, जब कोविड-19 आया तो हमने शीशे तोड़े, हमने गाड़ियां तोड़ी, हमने कानून की खिलाफवर्जी की कि हम 15 दिन अपने घर में मैसूर नहीं रह सकते। लेकिन क्या उन मजलूम कश्मीरियों का एहसास है जो पिछले 2 साल से अपने अपने उनके अपने घर भी नहीं है? उनको उन घरों में कैद करके रखा गया। एक सहाफी कहता है, मैं श्रीनगर में गया तो एक खातून छत पे खड़ी थी, नौजवान बच्ची थी, उसने कहा आप सहाफी हैं, वो उसको जानती थी, उसने कहा मैंने आपका टीवी पे देखा आप अरुण मिश्रा, आपका नाम? वो कहने लगा हां मेरा नाम अरुण मिश्रा है। उसने कहा अरुण मिश्रा मेरा दुनिया को पैगाम देना, लोगों को ये बतलाना कि मेरी बद्दुआ नहीं मेरी दुआ है, अल्लाह करे सारी दुनिया लॉकडाउन में चली जाए। और अल्लाह ने उस बच्ची की बद्दुआ सुनी, आप 15 दिन का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सके। अमेरिका जैसी हुकूमतें हिल के रह गई, उनकी मईशत तबाह हो गई, पूरा यूरोप थरथरा उठा, किसी को खुदा का खौफ नहीं आता उन मजलूम मुसलमानों पर? और हम ये कहते हैं कि मोदी की हुकूमत आएगी तो कश्मीर आजाद होगा। '370 और '35A जिसका रौला पड़ा होता है, ये 35A हिंदुस्तान का आइन नहीं है, ये 1929 को डोगरा साम्राज्य में कश्मीरी अंग्रेजों ने यह बिल पास किया था और कश्मीरियों की मंशा के मुताबिक कि कश्मीर में कोई शख्स गैर कश्मीरी ना तो जमीन खरीद सकता है ना कारोबार कर सकता है, इसलिए कि कश्मीरी
माली हालत में इतने अच्छे नहीं थे। हिंदुस्तान ने वो कानून सिर्फ इसलिए तोड़ा कि हिंदुस्तान के अमीर लोग कश्मीर में जाके उन कश्मीरियों से जमीन खरीद के फलस्तीन की तरह, जिस तरह फलस्तीन के इलाके में इसराइलियों ने महंगी जमीन खरीद के अपने महल आबाद कर लिए हैं, अपनी बस्तियां आबाद कर ली हैं, वो अमल जो यहूदियों ने फलस्तीन में दोहराया था मोदी के दौर में हमारी गवर्नमेंट की नाक बंदंदेशी की वजह से, वो अमल कश्मीर में दोहराया गया। ये वोट आपने, मैं आपका भेजा हुआ एक नुमाइंदा हूं, आपके वोट की ताकत की वजह से उस असेंबली में बैठता हूं, मुझे 10 रुपए भी मिलते हैं तो आपकी पर्ची की वजह से मिलते हैं, मुझे कोई इख्तियार मिलता है तो आपकी पर्ची की वजह से मिलता है। खुदारा अपने वोट को हकीर मत जानिए, इसको बरादरी के नाम पे, इसको दोस्ती के नाम पे, इसको रिश्तेदारी के नाम पे मत दीजिएगा। आपके पास ये मुकद्दस अमानत है कौम की, और 5 साल के बाद ये वक्त दोबारा आएगा। अगर आपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो 5 साल, हम नहीं कहते कि यहां दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ का यह कसूर था, जियाउल हक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, 74 में पाकिस्तान में एटम बम बन चुका था, वो राजीव गांधी में के काम में उसने कहा कि राजीव पाकिस्तान पे हमले की गलती ना करना, हमने भी एटम बम बना लिया है, इस वजह से वो जंग रुकी थी, लेकिन उसको एटमी धमाका करने की जरूरत नहीं हुई। एटमी धमाका आपके नुमाइंदे, आपके वोट की ताकत उस शख्स के पास थी। आपने जिस शख्स को चुना, जिस शख्स को अपना हक्के राय दही, जिसके लिए आपने अपना इस्तेमाल किया, उसने एटमी धमाका करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। पहली बार उसकी गवर्नमेंट बनी तो 2 साल चलने दी, दूसरी बार आपने उसको मुंतखब किया तो 2.5 साल के बाद उसको चलता किया, चौथी बार आपने उसको मुंतखब किया तो 4 साल बाद उसको नाहिल करार दे दिया गया। एक नाहिल शख्स से इतने डरते हैं कि उसको मुल्क से जाने दिया, अब कहते हैं वो किस तरह चला गया, अपने जान छुड़ाई उसको यहां से भेज के। आपके वोट की वजह से शायद आपने ये गलती ना की हो, सियालकोट के लोगों ने दुरुस्त फैसले किए थे 2018 में भी अल्लाह के फजल से, लेकिन जिन लोगों ने गलत फैसले किए थे, ये नाक बंदंदेश शख्स जिसको अपने घर तक चलाना नहीं आता उसको मुल्क सौंप दिया गया। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। इसलिए आपके वोट में यह ताकत है, यह वोट सिर्फ तारिक सुभानी के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, यह वोट सिर्फ इसहाक के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, यह वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके वोट की वजह से आपका लीडर इज्जत से पाकिस्तान वापस आएगा इंशाल्लाह। अब वोटों की मंडी लगी है कई जगह पे, आप बड़े समझदार और जीरक लोग हैं,
आप हम आपका यह एहसान भी नहीं बुला सकते जितनी देर आपने हम जैसे लोगों का बैठ के यहां इंतजार किया। जुलाई में जितनी सख्त गर्मी और धूप होती है आप वोट डालने जाते हैं, खुदा गवाह है उस एक दिन का बदला भी हम नहीं दे सकते, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा दुरुस्त फैसले करते हैं, कौम में कभी गलत फैसला नहीं करती, आप हमेशा दुरुस्त और सही फैसला करते हैं। इस इलेक्शन में भी अपना फैसला मुल्क और कौम के हक में करके उन मजलूम और महकूम कश्मीरियों के लिए वोट दीजिए। क्यों? अल्लाह करे आपके वोट की वजह से उनको आजादी मिलेगी। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कुछ वोट काटे गए हैं, इन बदबख्तों को यह भी नहीं पता कि कल, और मेरा दावा है, मेरा यकीन है, मुझे ऐसे ही यकीन है इस बात पर जिस तरह ये बल्ब जल रहा है कि एक दिन कश्मीरियों के लिए राय शुमारी जरूर होगी और कश्मीर आजाद होगा। इन्होंने जो वोट, मैंने आज तक ये इल्जाम किसी पे नहीं लगाया, आप लोग बड़े समझदार हैं, जिसने भी ये अमल किया है उसने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा इखलाकी और कौमी जुर्म किया है कि कल राय शुमारी होगी तो इन्हीं वोटों पे होगी ना जो अब लिस्टों में है। हम अपने इक्तदार की खातिर ये भूल जाते हैं कि मेरी इस छोटी सी लफ्ज से किसी कौम की तकदीर बदलेगी, लेकिन मेरा अल्लाह वोटों का मोहताज नहीं है। अल्लाह जो चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जब चाहता है, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा कादर करीम है, वो सब कुछ कर सकता है। इनको गलत फहमी है कि चंद वोट काट के ये फैसला चेंज कर लेंगे। आप 25 तारीख को अपना वोट भी डालिए, अपने वोट पर पहरा भी दीजिए। 25 तारीख का रिजल्ट इंशाल्लाह अजीज 28 तारीख को किसी को दूसरा पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैं अहले पेकोशोर और कोठे गुजरा जो लोग इतनी रात गए तक हमारे लिए बैठे रहे, इंतहाई मशकूर है। अल्लाह आपके लिए आपको आसानियां दे और हमें आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। एक नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आखिर में खेल के साथ चोरी साहब जिंदाबाद, चोरी साहब जिंदाबाद, चोरी साहब जिंदाबाद, चोरी साहब जिंदाबाद। आखिर में खेल के साथ जब्त लाजिम है, जब्त लाजिम है, मगर दुख है क्यामत का फिराज। जालिम अब के न रोएगा तो मर जाएगा।